गंजोर गांव में चुनावी रंजिश में कमलेश वर्मा को उतारा गया था मौत के घाट। आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर। मेहनगर के गंजोर गांव में चुनावी रंजिश में एक व्यक्ति की मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। मारपीट के 5 दिन बाद भी आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जानकारी अनुसार चुनावी रंजिश में सब्जी विक्रेता कमलेश वर्मा पुत्र दुखन वर्मा को मारपीट के गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं आज पोस्टमार्टम के बाद शव घर आया तो पूरा गाँव गमगीन हो गया। वही मौत की खबर लगते ही कहार महासभा के पदाधिकारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, अधिवक्ता मंत्री अशोक यादव, डॉक्टर प्रमोद वर्मा, जिला अध्यक्ष कहार सभा अजय कुमार वर्मा, राजनाथ वर्मा मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। वह इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता मेनगर मंडल अध्यक्ष किशन बिहारी सिंह, अनुराग पांडे, उदय प्रताप सिंह, मुकेश सिंह, उग्रसेन विश्वकर्मा इत्यादि लोग भी मौके पर पहुंचकर भाजपा के झंडे को सब पर रखकर मृतक आत्मा की शांति के लिए उसे श्रद्धांजलि भी दी गई। क्योंकि हम आपके साथ हैं, आपका काम अच्छा रहा है, लोगों को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये लगे सर, चाय चाय सबसे बड़ी धारा किसी को बिल्कुल कर दिया और गिरफ्तारी में फोटो ले लीजिए, उसको क्या रिकॉर्ड करना जो भी बताने का मौके नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे समुदाय बहुत मतलब कमजोर वर्ग है और उसमें जो है जहाँ तक हो सके एकदम एकदम उचित कार्रवाई हो, सभी उचित कहीं आप एक पेन ऐसे नहीं रख पाएंगे जी। अच्छा सर, 17 से 17 की घटना आज तक किसी की गिरफ्तारी 18 के बाद आपको 18 को बोली थी जी, 19-20 इनके यहाँ दबिश दिया गया जी। उसके बाद एक घर से भागे थे, पूरा गांव जानता है, घर में एक सारी एक बूढ़ी औरत एक ये थी जी, भागे थे जी और मिले नहीं जी। ये हमको भी जगह कल तक मिल जाएगा। आपने सुना कि 24 घंटे का समय मिली है सर, 24 घंटे की गिरफ्तारी होने का, कि 24 से 36 घंटे का कोई मुझे मिलने में समय लगता ही है 24 से 36 घंटे। लेकिन 17 सर आज 22-5 दिन हुए हाँ नहीं मिल पाए हैं, इसमें कार्रवाई चल रही है, इसमें वारंट के लिए भी दिया गया है और देखिए यथाशीघ्र कार्रवाई कर दी जाए।